किधर? हाँ जी, जजाक अल्लाह। ये वही क्या काम? क्या काम सी? ठीक हो गया रोजा? मैं ठीक हूँ। त्रे ले जी काफी कल जुमे रोजा, परसों बुखार से मैं बुखार कर गया। मैं सुरफेद कही अजकल उसी का सेम आ जाएगा शामी इंशाल्लाह। आज बादल छा गए, सुबह मौसम सही क्लियर था और धूप जो है ठंडी हो गई, अभी इतनी ज़्यादा नहीं चुकी। ड्रिल वापस आ गई है, इसको संभाल के रखते हैं क्योंकि बाद में फिर ज़रूरत पड़ती है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की सारी का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज जी सातवां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह जी सहरी हमने खानी है, तो अभी मैंने नमाज अदा की है। रोज़ा बंद करने के बाद जी बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, तो कुरान पाक की तिलावत करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद मैं सो जाता हूँ। सुबह फिर आँख खुलती है जी बच्चों को स्कूल छोड़ने के टाइम, तो अभी भी कुछ ऐसा ही हिसाब है, नींद आई हुई है जी बहुत ज़्यादा, तो अभी सोना है और सुबह फिर उठ के बच्चों को छोड़ना भी है, तो आपसे मुलाकात होती है जी सुबह। नया दिन जी, नई सुबह और सातवां रोज़ा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज जी सातवां रोज़ा है और बिल्कुल भी पता नहीं चला रोज़ों का, ऐसे पहला रोज़ा था और ऐसे आज सातवां रोज़ा है, बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चल रहा। हम सोचते थे कि रोज़े गुजरेंगे बहुत ही ऐसे फील होगा, फील भी नहीं हो रहा और ना ही कोई ऐसी वाइब आ रही है रोज़े रखने वाली। तो मंगल को पहला रोज़ा था, आज सोमवार है, यही निकल रहा है, पता भी नहीं चला। टाइम इतना तेज़ी से जा रहा है, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो जब टाइम निकल जाता है फिर हमें समझ आती है जी टाइम निकल गया है और निकल रहा है कितना तेज़ी से। उम्मीद करता हूँ आप लोग हैदर से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। जितने भी रोज़े आपके गुजरे हैं बहुत ही अच्छे से गुजरे होंगे और जो बाकी रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही मज़े से गुजरेंगे। तो सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, मुझे डेली अपने ही इन खेतों का मुँह देखना पड़ता है, इन खेतों के मुँह लगना पड़ता है। ये देखें जी, अभी मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ कि कितनी गंदम हम काट चुके हैं। ये जगह हमने साफ़ कर दी हुई है, हमें जब खेत सूख जाएगा तो हमें काटने में आसानी होगी, क्योंकि हमने समझ लिया कि आधा खेत हमने ऐसे ही काट दिया है, कभी कहीं यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, इधर से काटा है, ऐसे करते करते हमने आधा खेत जो है वो फ्री कर दिया है, जो बाकी रह गया है वो अच्छी खासी गंदम है। तो फिलहाल अभी मैं खेत में आया हूँ तो इस खेत से हम चारा काटेंगे। धूप अच्छी खासी लग रही है, आज से गर्मी की जो शिद्दत तेज़ हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे पहले पिछली गर्मी में होता था। हम दिन को दो दो तीन दिन बाद नहाते थे, अभी ना भी नहाएं तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं होती। तो खैर अभी काम करते हैं और फिर टाइम से घर भी चलना है, नहीं तो ये देखें मेरा मुंह सूख गया हुआ है, बात करने की सलाहियत कम होती जा रही है। तो अभी करते हैं काम फिर चलते हैं जी। ये वो जगह है जहाँ बचपन में नहाया करते थे, तो अभी वो सीन नहीं है नहाने वाला क्योंकि हम माल मवेशी इतना लाते नहीं हैं। हैदर जी अभी नीचे जाके हाथ मुँह धोएगा, पानी ठंडा है। जब सख्त गर्मी होती है ना उस वक्त पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, अदरवाइज पानी माशाल्लाह ठंडा होता है। तो अभी नहाया जा सकता है लेकिन ठंडा इतना है कि दिल नहीं कर रहा, सोचना पड़ता है नहाने से पहले कि नहाया जाए नहीं नहाया जाए। और पानी मशला अच्छा खासा साफ़ है जी। अपनी बकरियां भी इधर थी, पता नहीं आगे पीछे चली जाए, इधर ही है। वैसे जो प्लान था मेरा वो ये था कि अपना चारा काटने के बाद मैं घर चला जाऊँगा, लेकिन टाइम था तो मैंने सोचा नीचे का चक्कर लगाते हैं, पानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी। बहुत टाइम हो गया यहाँ आए हुए, वैसे बहुत टाइम की बात है जब हम आते थे माल मवेशी भी लाते थे, मतलब कि भैंसें वगैरह हमारी होती थी, चाचू जान की होती थी। तो अभी हमारी भैंस तो नहीं है, एक कट्टी है हिस्से में, तो उसको लाते नहीं है फिलहाल, बकरियां लेके आते हैं। नहाने वाली बात नहीं है, पहले हम सारे कज़न लाया करते थे और इकट्ठे होकर जो अपनी भैंसें लाया करते थे नहाते थे, ज़्यादा हमें होता था कि नहाना है बस ठीक है। तो अभी वो सीन ही है क्योंकि सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। आवाज है जी बहुत अजीब सी, पता नहीं क्या चीज़ें थे इधर, जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा है, पत्थर मारना पता लगे सी। नेवला है जी नेवला, मैंने सोचा पता नहीं कोई और चीज़ होगी लेकिन ये नेवला है। आराम से अपने बिल में चला गया, हम अपनी लैंग्वेज में इसको नोल बोलते हैं, वैसे उर्दू में नेवला या नेवला बोलते हैं। खैर अभी पानी को देखे दिल कर रहा है नहाने का लेकिन पानी बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा खासा ठंडा है भाई साहब, बहुत ही साफ है जी। अभी मछलियाँ नहीं है इसमें, पता नहीं किधर चली गई हैं, सर्दियों में होती थी नज़र आती थी, हम गर्मी में पकड़ते भी थे लेकिन अभी पता नहीं
किधर चली गई हैं। वो बारिशें हुई थी बहुत ज़्यादा, तो पानी अच्छा खासा आया था, उस वजह से पानी अभी तक चल रहा है। वैसे जब शदीद गर्मी होती है तो पानी सूख जाता है, फिर बारिशें होती हैं सावन की, फिर पानी चलना शुरू होता है जी, अदरवाइज सूख जाता है। क्योंकि यहाँ पे लक्सी 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 उन बार हैदर वहाँ से जी पत्थर फेंकता है ऐसे पानी के ऊपर, तैरता हुआ पत्थर आता है जी। ये देखें दो तीन चार 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 लेट पे खादिस। बहुत जी हमने ये गेम खेली है कि पत्थर कितने स्टेप खाएगा यहाँ से पानी के ऊपर से, एक दो तीन तीन चौथे पे डूब गए। मुंह हाथ धोते हैं और चलते हैं। प्यास की शिद्दत नहीं है, भूख की शिद्दत है इस टाइम। मुझे टाइम अभी पूरे 11 हो चुके हैं और मुझे अच्छी खासी भूख फील हो रही है जी। अलहमदिल्ला जी घर में पहुंचा था, तो अभी भजन की कॉल आई है कि आटा आ चुका है, तो रश बढ़ सकता है, तो आप जल्दी से दुकान पर आएँ। पहले ये होता था हम आटा अपनी ही दुकान पर तकसीम किया करते थे, लेकिन तो कोटा अलग हो गया है, तो नेक्स्ट विलेज हमें जाना पड़ता है अपना आटा देने के लिए। तो फिलहाल भाईजान आ चुके हैं, मैं दुकान पर जाऊँगा, मैं और चाचू जान दुकान पर रहेंगे, भाईजान जाएंगे आटा तकसीम करने के लिए आगे नेक्स्ट विलेज। तो इस अपनी सड़क का काम भी शुरू हो चुका है, मतलब यहाँ से नहीं नेक्स्ट विलेज से, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दुकान पे किसने लाया आपको? ये रोज आ जाती है जी, पैसे देती नहीं है, चीज़ें ले जाती है। वो बाबू की शराबी है ना, क्या लेने आई हो, अब रोज़ा रखा है ना। हाँ रोज़ा, हमने दिन को इफ्तार किया था और दोपहर को भी इफ्तार किया था। चाचू के साथ। हाँ चलें जी, लें क्या लेना है, जल्दी से ले चीज़ें फिर हम चलें। उठे उठे उठे, यहाँ से नज़र नहीं आता, हम ऊपर से देखेंगे क्या चीज़ देनी है जी। दुकान जी हमने क्लोज कर दिया है, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जी, नसाजा सर में दर्द है जी, दोपहर से लेकर आज बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा गुजरा है, प्यास वगैरह नहीं लगी, भूख नहीं लगी, लेकिन सर दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोज़ा गुजरा है। अभी रोज़ा खुलने में जी तकरीबन 10 से 12 मिनट रह गए, आराम आराम से जा रहे हैं, क्योंकि हमारी दुकान से घर का सफ़र बिल्कुल ही कम है। तो भाईजान अभी छत पर हैं, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ थोड़ी हवा, ताज़ी हवा लगाते हैं ना, थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो चलेंगे जी छत पर, रोज़े का जब टाइम होगा फिर हम नीचे आएँगे, रोज़ा इफ्तार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही मज़े का है। इधर आओ इधर आओ, अपनी ये गुड़िया देखें कितनी प्यारी लग रही है, स्कार्फ की है इसने खुद, अभी चीज़ों की तलाश में कुछ चीज़ें से मिले, ये उठाए आप, इधर आओ इधर आओ, बहुत अच्छी बच्ची है जी हमारी गुड़िया, हमारी बहुत चलाक है, इधर आओ। हाँ जी अभी देखें जी, कोई इधर जाए, इधर जाएगी उधर जाएगी, देखने की कोशिश कर रही है, कद बहुत छोटा है। बंद कर दो बंद कर दो।